सवाल गाइस, अब सब तो जिसकी तरफ से प्यार से गुड मॉर्निंग। अब टाइम हुआ हो गया सुबह के 6:30 की शुरुआत हो रही है पटना से, और ये हमने पंप पे लगाई थी गाड़ी, उसमें गाड़ी का डाले डीजल, हमने जो गेम में पीछे वो डीजल डाल रहे हो, तब तक मैं बना रहा हूँ चाय में, चाय पी के फिर निकलते हैं। अनुज भाई भी बीमार हो गया, खुद मैं खुद भी बीमार हो गया, पर समझ नहीं आ रही यार क्या चक्कर हुआ, उसकी वजह से हम रात को सो गए थे, नहीं तो हमने फुल नाइट गाड़ी चलानी थी, सोते थे तो आपको पता ही हम कम ही है गाड़ी पूरी कंटिन्यू चलाते हैं, पता है कि जब आप चाय बना रहे हैं चाय पियेंगे फिर फिर भी पड़ जाएगा गाड़ी को, फिर इधर से निकल पड़ेगा। आ गया सारा सामान भी, परांदे वगैरह ये ले लिए पीछे लगाने के लिए, गाड़ी की वापस सजावट शुरू करेंगे, सामान सारा कुछ लगाएंगे, सारा कुछ सजावट ये अंदर लगाने के लिए लिए सारा कुछ। अभी हम घूम रहे हैं गांव गांव से, अभी कोई पता नहीं चल रहा कहाँ से बाहर निकलना है कहाँ से नहीं, बॉर्डर बांधा ना उसकी वजह से गांव गांव से घूमना पड़ रहा है, एक मौसम भी बारिश का बना हुआ है, और पवन भी ये रास्ता बता रहे हैं, देखो वीडियो कॉल पे चल रहे हैं। हाँ टी पॉइंट आ गया जहाँ से हमको शायद राइट लेना, मेरे को तो इतना पता नहीं है, हो रहे हैं बॉर्डर की वजह बांधता है उसकी वजह से घूमना पड़ रहा है गाँव गाँव से, इधर से हमको राइट साइड जाना है, देखते हैं कहाँ से निकलते हैं बाहर कहाँ से नहीं। अभी हम घूम रहे हैं पंजाब के गांव गांव से, यानी हाइट वाले ऊपर हाइट बूट पेड़ भी लगते हैं, ज़्यादा हाइट होगी लेकिन हमारी इतनी ज़्यादा हाइट है ही नहीं है, इसलिए हम निकल रहे हैं इधर से ही, आगे सिक्स लाइन आएगी एक्सप्रेस रोड उस पर चढ़ जाएंगे, चढ़ेंगे कब वो अभी पता नहीं है, कब मिलेंगे वो आगे जाके हमें, बस इधर से अभी चलना है 2-3 किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद आ जाएगी सिक्स लाइन, सिक्स लाइन पर सीधा चलना, फिर हमें पल्लू वाले काट से नीचे उतर जाना है ना, उधर से ही उतरना, सुनने फोन कर करके पता चल रहा है रास्ता, वो आगे से सिक्स लाइन आ रही है शायद, आ गई भाई सिक्स लाइन, ये देखो सिक्स लाइन ऊपर से कोड़ा जा रहा है, कोड़ा देसी बस में कोड़ा जा रहा है, इससे हम आगे से चौक से आगे से राइट टर्न लेंगे सीधा एक्सप्रेस पे चढ़ जाएंगे, इस पर अभी कोई टोल नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई आरटीओ नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा, बस गाँव से घूम के आना पड़ता है, टोल बनेंगे आरटीओ मिलेंगे जब ये रोड कंप्लीट हो जाएगी, अभी तो हमें कोई नहीं मिलेगा इधर, इधर से हमने राइट टर्न लेना और सीधा पहुंच जाएंगे हम एक्सप्रेस पे, टोल गेट 500 मीटर है पर टोल लगेगा नहीं, पता नहीं अभी उधर जाके पता चलेगा लगेगा या नहीं लगेगा। पहुंच गए अभी हम एक्सप्रेस पर, अभी इसी रोड पे जाएंगे सीधा आगे से फिर नीचे उतर जाएंगे पल्लू वाले कट से, अभी हम चल रहे हैं एक्सप्रेस वे, ओ सामने पार पुल देखो कि इतना अच्छा लग रहा है, वो पूरी सीधी रोड है, लाइटें मैंने दोनों खोल दी, ख़राब हो गई थी उसके ऊपर मैंने एक ये लगा दी न्यू लाइट, ठीक है अब इसकी पता नहीं कोई तार टूटी हुई है क्या हुआ, उस दिन लाइट ख़राब थी, लाइट चलती है पर तार टूटी हुई है अंदर से, अब इसको ठीक करेंगे फिर लगाएंगे लाइट, ये वाली कितनी मस्त दिखाई अच्छी लग रही है। अभी मैं चलाने लगा गाड़ी एक्सप्रेस पे, खाना वगैरह हमने खा लिया, अनुज भाई करने लगा अपना ब्लॉग ऐड, एक्सप्रेस में मज़ा आ रहा है वैसे गाड़ी चलाने का, सीधा रोड है मज़े मज़े चलो, कोई टेंशन नहीं कोई कुछ नहीं, कोई नहीं मिलेगा हमें इधर ना टोल है ना कोई ट्रैफिक वाला आरटीओ कुछ नहीं मिलेगा हमें इधर, एक्सप्रेस पे गाड़ी चलाने का अलग ही मज़ा आ रहा है, बस एक टांग नीचे रख रखो दूसरे की काम की जरूरत नहीं, बस गियर लगा रखो टॉप गियर बस चलेगी मस्ती से, हल्की हल्की बारिश लगी थी रुक गई, वैसे अगर लग गई तो फिर हमें तरपाल डालने पड़ेगी, इस एक्सप्रेस पे ना है नहीं मारी ब्रेक कुछ मारी है, इस एक्सप्रेस पे इतनी ज़्यादा मतलब गाड़ी भी नहीं है रोड पे, कोई इतनी ज़्यादा कोई दिखाई नहीं दे रही, कोई पीछे की बस एक ही जा रही है, एक तो आगे है बिल्कुल कम है, कोई गाड़ियाँ नहीं इतनी कोई कुछ नहीं, मज़े से चल रहे हैं। आ गए हम अभी पल्लू वाली रोड पे, पल्लू है रोड तो अच्छी है, इस रोड पे कितना चलना अभी 20-25 किलोमीटर चलना फिर निकले हम सरदार शहर चले जाएंगे, बैरिकेड बड़े लगे ना कि कोई रोके ना आ रहा, अभी तो 2 मिनट साइड पर लगाए थे टायर वगैरह चेक कर रहे थे, टायर वगैरह चेक कर दिए, अभी वापस निकलेंगे गाड़ी लेके आ रहा हूँ गाड़ी, यार इसका थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया ना स्टेयरिंग, इसको खोल के वापस सीधा करके लगाएंगे अच्छे से, वो आ गया हमने पल्लू वाला रोड छोड़ दिया और अभी टर्न हो गया हम सरदार शहर वाली तरफ, आप आगे सरदार शहर आपके अपना वही रास्ता है सरदार शहर रतनगढ़ किशनगढ़ होके जाना है, अभी सारा मेगा हाईवे रोड वैसे अच्छा है। अभी मैं चल रहा हूँ सरदार शहर वाली रोड पे, देखो मेगा हाईवे, और अनुज भाई सो गया,
रखा हुआ सी दोनों, उसको दोना अभी हम सोच रहे आगे जाके धो लेंगे। रात को हमने गाड़ी नहीं चलाई थी, दोनों सो गए थे, बीमार हो गए थे, पता नहीं क्या चक्कर हुआ। अभी हम चला रहे हैं, आज नहीं से सोएंगे, आज तो गाड़ी में चलना ही चलना है, आज सोने वाला काम ही नहीं है। जितना हो सके अगर सफ़र निकाल के कल हम गाड़ी खाली करेंगे, कल खाली हो जाएगी तो ठीक है ना, फिर अगला वापस भरेंगे जल्दी जल्दी से, ट्रिप देंगे खींच खींच के, ट्रिप निकालेंगे जल्दी से। इधर लगाई थी साइड में अच्छा ग्रीस वगैरह करवाता हमारे, तो ग्रीस वाला मिला ही कोई नहीं, दुकान खुली हुई थी, खुद पता नहीं कहाँ चला गया, आगे पीछे कुछ मिला ही नहीं। भाई कर रहे हैं गाड़ी को ग्रीस अच्छे से, भाई ऐसे मिलने के लिए टेम्पो का आर जी 14 इतने हम गाड़ी खुली नहीं छोड़ सकते क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। इतनी देर में 7-8 शहर रुके थे हम ग्रीस करवाने के लिए, ग्रीस हो जाएगी अच्छे से, इधर रुकेंगे, ग्रीस वगैरह करा के निकल गए, इंडिकेटर बंद हो गए थे, वो भी करा दिए ठीक। अब उन्होंने भाई चला रहा है गाड़ी, मैं बैठा हूँ साइड पे। टाइम हो गया शाम के 6 बज गए और अभी हम पहुँच गए हैं डिडवाना मेगा हाईवे पे, कंटिन्यू चल रहे हैं, आज हमने रात लगानी है पूरी, अभी कंटिन्यू मेरा आ गया ब्लॉग, मेरा सुबह का अपलोड होता है 6 बजे, पूरा 10 वर्क आ जाता है। चलते हैं, अब गाड़ी लगा दी हमने साइड होटल पे, शीशे मैंने वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिए, शायद इस टायर में हवा कम लग रही है यार, चेक करवाएंगे, इस टायर में हवा नहीं कम है, अंदर वाला टायर कम है, इसमें बेयर ज़्यादा बड़ा हुआ इसलिए लग रही है। और आज हमने गाड़ी को लाइटें लगवाई हैं दो, नीचे वाली न्यू, चाय पी के आगे अब मैं चलाने लगा हूँ गाड़ी, लाइटें चेक कर रहे थे अभी, लाइट चेक करके आगे जाके गाड़ियों की लाइटें चेक करेंगे कितनी लाइट है गाड़ियों की, 4 लाइटें एक्स्ट्रा लगवा ली हमने, आज तो रात फुल नाइट कंटिन्यू ड्राइविंग करनी है। भाई क्या हुआ नीचे, अभी कर रहे हैं गाड़ी की लाइटें सेट कर रहे हैं अच्छे से, रात को दिखा रहे हैं यार गाड़ी की हेडलाइट है उनकी, इतनी लाइट नहीं है पता नहीं चलने लगा। हाँ हाँ, ये ब्लिंकर आ गया, ये वाइट और पीन की पूरी वाइट आ गई, ये येलो आ गई, ये ठीक है। अभी हम आ गए नसीराबाद रोड पे, हाईवे पे 4 लाइन 6 लाइन है, 3 इधर 3 इधर हो गए, 6 लाइन पे सीधा चल रहे हैं, खाना खाएंगे देखेंगे अभी होटल कोई गुजराती होटल, फिर जाके खाना वगैरह खाएंगे। भाई मैं चला रहा हूँ कंटिन्यू गाड़ी, 55-60 50 55 50 55 स्पीड से चल रहे हैं आज, बिल्कुल आराम आराम से लाइट है, इंडिकेटर ऑन है सारे। रुक गए हम होटल पर, आ गए जोधपुर होटल है, इतनी देर में हम टायर चेक कर रहे हैं, इस टायर में ठीक है, टायर वगैरह ओके हैं सारा कुछ, पीछे से भी ओके है, पट्टे हमारे पुराने हो गए हैं नहीं बनवाने पड़ेंगे, एक टूट गया ना ख़राब हो गया उसकी वजह से, ये देखो ये कुत्ता, ये वाले भी ओके हैं, जाएंगे सीधा होटल पर। आ गया होटल पर, क्या ऑर्डर दिया, बाजरे की रोटी दी और ये अपनी गाड़ी सामने लाइटें आना, एक लाइट ख़राब हो गई बस, आ गया बाजरे की रोटी और देसी घी, ये सब चीज़ आ रहा है, कितनी सब्जी आ गई यार, कितनी सब्जी आ गई, कड़ी है, दाल है, ये मिक्स सब्जी है, ये सलाद, इसको भूख लगी है देखो जल्दी जल्दी से खा रहा है। खाना वगैरह खा के आगे होटल से बाजरे की रोटी खाई, 3 रोटियाँ खा दी खाना, और अभी लगी गाड़ी देखता हूँ, अब मैं ही चलाऊँगा शायद, अनुज भाई ना ही चलाई गाड़ी, और रहा होटल जहाँ पे हमने खाना खाया था, कैमरा थोड़ा सा आगे से ख़राब हो गया रहे हैं, अभी 3 रोटियां खा के आ रहे हैं, अरे खाना खा के निकल आया, अभी हम उधर से अनुज भाई करने लगा रेस्ट और मैं चला रहा हूँ गाड़ी, मैं सोच रहा हूँ निम्बज पहुँच के उठाऊँगा उनको, निम्बज तक मैं चला ही लेता हूँ, वाटर पार्क करके उठाऊँगा उनको। अभी कंटिन्यू ड्राइव कर रहा हूँ मैं चित्तौड़ का ट्रैक है 156 किलोमीटर, मतलब कि 155 किलोमीटर टाइम हो गया, अभी रात के 12 बज गए और अभी मैं कंटिन्यू ड्राइव कर रहा हूँ, 50 की स्पीड से चल रहा हूँ, मनोज भाई सोया हुआ है, मैं चला ही रहा हूँ, जब मैं सोऊँगा फिर वो उठ जाएंगे, वो गाड़ी चलाएंगे, मैं सोच रहा हूँ वाटर नहीं गाऊँ, वाटर पार्क करके मैं सो जाऊँगा, फिर मनोज भाई को दे दूँगा गाड़ी, वो चलाएँगे और मैं सो जाऊँगा, क्योंकि कल रात को हमने रेस्ट की थी, सोए थे, बीमार थे, उसकी वजह आज हमने कंटिन्यू चलना है, जहाँ तक है कि कल शायद गाड़ी खाली हो जाए, कल होते जब परसों हमको कल पहुँचना है गाड़ी खाली करनी, क्योंकि नेक्स्ट जल्दी से जल्दी ट्रिप लगाएंगे, ज़्यादा रुकेंगे नहीं। अभी हम चल रहे हैं NH 44 पे, टाइम हो गया रात के
डेढ़ बज गया चित्तौड़गढ़ जहाँ से रह गया 91 किलोमीटर चित्तौड़गढ़। कंटिन्यू चल रही है अभी, अब तक चलेंगे। ड्राइवरी करनी बहुत औखी है, नींदें मारनी पड़ती है ड्राइवरी करने के लिए। लोग तो सोचते हैं मजे से कमा रहे हैं, बड़ा कुछ बोलते हैं ड्राइवर को, पर दिन रात जागना पड़े तब पता चलता है क्या कैसे होती है ड्राइवरी। इधर से हमारा चित्तौड़गढ़ एंड किया 1 किलोमीटर और टाइम हो गया हमारे 3 बज गए। चित्तौड़गढ़ 1 किलोमीटर रह गया है। हाँ, छोटा इसी उदयपुर सीधा हमने इधर जाना है, डर लेना भी 1 किलोमीटर के बाद पूरा नीचे उतर जाना फिर हमें गोल्डन लेक। मैं आ गया रोड, एक ज़्यादा राइट साइड है एक ज़्यादा लेफ्ट साइड, हमें अभी होना है लेफ्ट साइड जिधर से हमको नीचे हो जाना है। अभी हम लेफ्ट साइड इसी रोड पे जाना, अभी सीधा आगे जा रहा है उदयपुर वाली साइड और हमें इस रोड पे जाना है। जैसे चित्तौड़गढ़ की रोड से नीचे उतरो सीधा टोल क्रॉस करते ही 200 रुपये लग गया यार। मानते हैं कोई गाड़ी की हाइट नहीं है कुछ नहीं है, 200 रुपये बात ही नहीं करते दीदी, सिर्फ लूट मार चाहिए हुई है ना, क्या बोले भाई। पहुंच गए अभी हम नए गांव बॉर्डर पे, कितने पे 420 पे पहुंचे हैं नए गांव बॉर्डर पे 420। मैं भी उठ गया क्योंकि नंबर आ गया इसका। हाँ अभी ना रात को इतना जाम वगैरह नहीं है, पीछे अब लग गया मेरे को, मेरे आगे पास 2 ही गाड़ियाँ, फाइल वगैरह निकाल के रख दी, पैसे भी रख दिए, बस देंगे फाइल चेक करवाएंगे और बॉर्डर पे अनुज भाई जाएगा तो निकलेंगे बॉर्डर क्रॉस करते, आगे मैं सो जाऊँगा फिर अनुज भाई चलाएंगे गाड़ी। अभी लगा दी बॉर्डर के साइड पे गाड़ी, अनुज भाई गए हैं पार पर्ची कटवाने के लिए, फिर हम इधर से निकलेंगे। हाइट तो है ही नहीं अपनी यार, ओह एक खुल गया कुंडा टूट गया वतन, इसको उठाएंगे अब अच्छे से ऊपर, दूसरा भी नीचे हो गया, दोनों उठाएंगे फिर निकलेंगे इधर से। ये नीचे हो गया इसको ये उठाना पड़ेगा। टाइम हो गया रात के 4:35, बॉर्डर क्रॉस कर दिया अनुज भाई, क्या हुआ वो पर्ची वगैरह काटने के लिए काट रहे हैं बॉर्डर पे, तो अभी आगे पता नहीं उसकी वजह चलेगा या घंटा सोएगा कुछ भी, अब बस